फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मधु, एक बार फिर से जैन किचन में आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, जो आज मैं रेसिपी लेकर आई हूं वो बड़ों को बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। खासकर बच्चों को मैगी का नाम सुनते ही बच्चे के मुंह में पानी आता है कि मम्मी हमें मैगी बनाते दो। तो फ्रेंड्स, आज मैं नॉर्मली मैगी नहीं, मैं आज आपके साथ में जो रेसिपी शेयर करूँगी उसका नाम है मैगी मंचूरियन। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं मैगी मंचूरियन कैसे बनाते हैं और किन किन किसी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये मेरे पास में मैगी का पैकेट है, ये 12 रुपीज़ वाला है। फ्रेंड्स, ये मैंने 2 पैकेट किया है मैगी का पैकेट, और ये मैंने 4 से 5 के लिए लहसुन है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और ये अदरक है, अदरक को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। ये मेरे पास में गाजर है, गाजर को मैंने ज़्यादा मोटा पीस नहीं किया है, पतली पतली किया है, ताकि फ्राई करने में गाजर को हमें टाइम लगता है, इसलिए मैंने बिल्कुल बारीक कट किया है, देख सकते हैं आप। और ये शिमला मिर्च है, इसे मैंने मोटा पीस किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक शिमला मिर्च मैंने लिया है। और एक प्याज मैंने लिया है, इसे भी मोटा मैंने 1/4 करके, ऐसा 1/4 करके इसे मैंने किया है। एक प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है, आधा शिमला मिर्च को भी बिल्कुल फाइन मैंने कटिंग कर लिया है, सेम प्रोसेस मैंने गाजर को भी ऐसा ही किया है। मैगी का ये दो पैकेट मसाला जो है, मैगी का 2 पैकेट मसाला, ये हम जब उबालेंगे तब लगेगा। और ये 12 रुपये वाला 1 पैकेट को ये मैंने क्रश करके इसे हाथ से ही जस्ट कर दिया है, जिसका मसाला हम अलग रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम मैगी को उबालते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, कढ़ाई में ये लगभग मैं 12 रुपये वाली 2 पैकेट मैं बना रही, तो उसके हिसाब से मैं आधा से 1/4 गिलास, इसमें पानी ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि तो हमें एकदम गीला नहीं बनाना है। ये जब उबलने लगे गाइस, ये जब तक उबल रहा है तब तक ये मैगी को हमें इस तरह से इसे कूटना है। शायद आप बेलनी की हेल्प से भी आप इसे कर सकते हैं, बट ये नॉर्मली यहाँ से ईजली हो जाएगा क्योंकि हम इसका मंचूरियन बनाएंगे, तो ये मोटा मोटा हमें नहीं चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है, हम इसे साइड कर देते हैं। दूसरा पैकेट को भी हम यूँ हाथ से, ये देखिए, ये बिल्कुल ईजली हो सकता है। ये मैंने कट कर दिया था, अगर आप बिना कट किए आप इसे बेलन से भी आप इससे कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है, ये देखिए। और मैगी हम तभी डालेंगे जब पानी उबलने लग जाएगा हाई फ्लेम पे, तभी हम इसमें मैगी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी उबल रहा है, फ्रेंड्स पानी उबलना स्टार्ट हो गया है। हम मैगी तभी डालेंगे जब पानी अच्छे से उबलने लगे, तभी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पानी उबल रहा है, अब हम इसमें दोनों मैगी का पैकेट जो है इस पर डाल देंगे। जो अगर बच गया इसे हाथ से हम क्रश भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट तक हम इसे कवर कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुका है, और यहाँ पे हमने बारीक प्याज कटिंग किया हुआ है वो हम इसमें डाल देते हैं। बारीक हमने जो शिमला मिर्च लिया हुआ था वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। बारीक जो हमने गाजर कटिंग करके रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देते हैं। अब फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसी प्लेट में हम मैगी का जो 2 पैकेट जो मसाला था वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। लेते हैं गाइस, ये चीज़ याद रखिएगा, हमें इसे ज़्यादा बिल्कुल बॉईल भी नहीं करना है, और इसमें ज़्यादा हमें पानी इसमें नहीं डालना है। अभी से हम 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट इसे उबलते और हो गया है, देख सकते हैं आप, पानी लगभग लगभग सूख चुका है। अब हम खुले में 1 मिनट तक इसे कुक करेंगे, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे नमक डाल के, हम इसे 1 मिनट तक चूल्हे में इसे एक बार चला लेंगे। ये ठंडा होने के बाद में और भी ये गाढ़ा हो जाएगा, देखिए गाइस मंचूरियन बनाने की।
गाइस मंचूरियन बनाने की जरूरत क्या है, हमारी मैगी बन चुकी है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, मसाले भी सब डल चुके हैं, तो लेकिन हमें थोड़ा चटपटा थोड़ा अलग सा डिश बनाना है, इसलिए हम मंचूरियन बनाएंगे उसके बाद हम खाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने गैस बंद कर दिया है, अब इसे ठंडा कर देते हैं, 5 मिनट के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बाउल में मैंने पानी लिया हुआ है और 1 चम्मच सबसे पहले जाएगा हमारा ये सोया सॉस, ये देखिए, दो चम्मच ये जाएगा हमारा टमाटर सॉस, सॉस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं कम ज़्यादा, ये देखो, विनेगर आप हम लिए हैं 1 चम्मच, गाइस चिली सॉस ये मैं डाल रही हूँ लगभग 1/2 चम्मच, आप सॉस जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये सबको हम अच्छे से मिला देते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मैगी पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब हम सबसे पहले हाथ अपना गीला करेंगे, गीले हाथ में जब भी आप इसे बनाएं गीला करें आप हाथ को, और साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसे आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा बॉल हम बना लेंगे, सारे बॉल हम पहले हम ऐसे बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारे बॉल बना के रेडी कर लिया है इसका। अब हम एक बॉल लेते हैं और यहाँ पे हमने सूखा मैगी रखा हुआ है, बिल्कुल सूखा है और हाथ से हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इसे हम इसका ऊपर का लेप हम देते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स जितना ये लग सके, क्योंकि हम मैगी मंचूरियन बना रहे हैं तो मैगी जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये क्रंची क्रंची है, ये हमारे मुंह में अच्छा लगेगा। आप डायरेक्ट इसे फ्राई ना ही करें, डायरेक्ट अगर इसे आप फ्राई करते हैं तो ये ऑयल पीस जाता है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आप इसे फ्राई करें मैगी आप इसमें ज़रूर ऐड करें। ऐसे ही हम सब पहले रेडी कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये नीचे में मैगी है, हम इसे अच्छे से कवर कर दिए और हाथ के हेल्प से इसे हम कर देते हैं। यहाँ पे हमने तेल गरम चढ़ा दिया है फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, और हम इसे गैस जो है हमारा मीडियम टू हाई है, और एक बार हम इसे थोड़ा सा स्लो कर दे क्योंकि तेल हमारा गर्म हो चुका है, और हम इसे डाल रहे हैं। देखिए गैस हमारा बिल्कुल स्लो भी नहीं होना चाहिए, स्लो अगर करते हैं और एक एक करके डालें और दूध दूध में आग डालें। ये देखिए फ्रेंड्स ज़्यादा पास पास में नहीं डालना है, इसे दूध दूध में ही डालें आप, और इसे आप तुरंत नहीं चलाएं। गैस मैंने अभी हाई फ्लेम पे रखा है, अभी हमें इसे तुरंत नहीं चलाना है फ्रेंड्स जब तक ये फ्राई हो रहा है। ये हमने जो टमाटर सॉस चिली सॉस विनेगर और सोया सॉस का जो घोल बनाया था, और ये हमने मैगी जो उबाल के रखा हुआ था वो हम इस पे मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी आता लगता है इसमें, ये हमारा जो ग्रेवी बनाएंगे उसमें साइड में ये मैगी जैसा स्वाद आएगा और मैगी इसमें मुंह में आएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये हो चुका है, अब हम इसे पलट देते हैं। ये देखिए इसे आप दूर दूर रखें आप इसे, और इसे डार्क कलर ही आप इसे सेकें, इसे कच्चे में ना उतारें, और गैस हमारा हाई फ्लेम पे ही होना चाहिए, स्लो फ्लेम पे करेंगे तो ये क्रंचीपन जो आता है मैगी में वो नहीं आ पाएगा, इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे पलटें। ये देखिए फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये मैगी मंचूरियन ये बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे बताया था इसे हाई फ्लेम पे कीजिएगा, और जब
आप मैगी का जब रोल आप हाथ में करेंगे, पानी का हाथ लेके करेंगे, और जब सूखा ड्राई मैगी करने लेप करने के बाद में उसे हाथ से लड्डू की तरह यू यू करके बनाएंगे तभी होगा, नहीं तो अदरवाइज ये आपका जो जितना मैगी मंचूरियन का जो बॉल जो हम बना रहे हैं वो फट जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने जिस कढ़ाई पे मैंने मंचूरियन बॉल्स तले हैं उसी पे ही मैंने तेल थोड़ा सा डाल लिया है, और ये अदरक और लहसुन जो हमने बारीक काटा था वो हम इस पे डाल रहे हैं। ये जो प्रोसेस अभी हम कर रहे हैं वो हाई फ्लेम पे ही होगा, स्लो पे बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी हम इसमें डाल देते हैं ये गाजर जो हमने थोड़ा सा बारीक काटा था, क्योंकि तो इसे फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये हमारा कैप्सिकम शिमला मिर्च और ये हमारा गाजर, ये सब हाई फ्लेम पे हम ये देखिए फ्रेंड्स ये हाई फ्लेम पे ही है, और इसे ज़्यादा नहीं हमें करना है, इसे लगभग एक से डेढ़ मिनट, सिर्फ एक से डेढ़ मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमें इसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सेकना है, लास्ट एक से डेढ़ मिनट तक में बस इसे हम इसे हल्का सा कच्चापन बस इसका निकल जाए बस, और कुछ नहीं। और फ्रेंड्स ये जो हमने टमाटर सॉस, चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस और थोड़ा सा मैगी बॉल जो मैंने बनाया था वो मैगी बॉल जो है वो मैंने एक तोड़ के इसी में ही डाल दिया। तो फ्रेंड्स इसे मैं डाल दे रही हूँ, देखिए गैस हमारा हाई फ्लेम पे ही रहेगा। और लास्ट में जो हमने मैगी मसाला जो हमने बचाया था वो हम मैगी मसाला इसमें डालते हैं, ऐसा मसाला और हम कुछ भी नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि मैगी भी मंचूरियन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली मैगी मसाला ही जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स अब इसे दो से तीन मिनट तक हमें इसे उबालना है, हाई फ्लेम पे ही रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बिल्कुल मैगी मसाला जो है ये बिल्कुल बन के रेडी है। अब धीरे धीरे हम इसमें हमने मैगी का जो बॉल्स बनाया है वो हम इस पर डाल दे रहे हैं, और इसे आप बिल्कुल हल्के हाथों से चलाएं, ये बहुत सॉफ्ट होता है, टूटने का भी डर होता है। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल हल्के हाथों से हमें चलाना है इसे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये मैगी मंचूरियन बिल्कुल बन के रेडी है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये मैगी मंचूरियन बिल्कुल बन के रेडी है, ये देख सकते हैं। आप इसे जब भी सर्व करेंगे फ्रेंड्स तो आप इसे तुरंत आप ग्रेवी में डालेंगे तभी आप सर्व करेंगे, अदरवाइज ये मैगी जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसे तल के अलग से रखें, मैगी का जो मसाला है वो अलग से बना के रखें, जब खाना होगा तभी आप इसे डालें, अदरवाइज ये सॉफ्ट हो जाता है और तुरंत तुरंत ही बनाएं। जब मैगी बॉल से जब आप डालेंगे जस्ट एक मिनट भी हमें नहीं और पानी में रखना है, और जहाँ तक हो सके आप इसे ड्राई रखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये बना है, ग्रेवी भी है इसमें। तो फ्रेंड्स वीडियो आप पूरा देखें, मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर बताएं, और अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें, उन्हें बहुत पसंद आएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मैं यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ, आप भी बनाएं और इंजॉय करें। थैंक यू गाइज।